का तोड़ बना दो, झाड़ू दे के मोर बना दो, इसी निगम का तोड़ बना दो, झाड़ू दे के मोर बना दो, किसान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मालवी शक्ति हमारे है, मालवी शक्ति हमारे है, मालवी शक्ति हमारे है, भाई चलो जिंदाबाद, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, 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 ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर तुम ज्यादा वो करोगे तो तुम्हारा पूरा मकान गिरा देंगे और तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। वो क्या बाबा, वो नगर निगम में कोई भोलानाथ है अब संपत्ति विभाग में अधिकारी, वो धमकी भी दे रहे, कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, पूरे घर में बेकार कर देंगे तुम्हारे। सब भाइयों को सब साथ है ना, सब बस ऐसी है सर, अब क्या ही बोलूं, कुछ साथ है और कुछ साथ है, इसीलिए कंप्लेंट भी दी है। कंप्लेंट अभी मतलब हमने वैसे ही एक कंप्लेंट दिया नगर निगम में, वैसे नहीं, हाँ अपने बिल्डिंग अपने मकान की तो किसी ने कंप्लेंट तोड़ नहीं, मकान तोड़ने की कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम टॉयलेट तोड़ने आए थे, हाँ, गलती से मकान तोड़ दिया, हाँ, ये किसने बोला, ये मतलब वहाँ पर गए थे, हमने बोला कि भाई किस किस बेस पर तोड़ा, तो वो बता भी नहीं रहे किसी भी बेस के हिसाब से। निगम पार्षद का इसमें क्या रोल है? पार्षद जी को हमने कॉल भी करी थी लेकिन दो दिन से ना वो फोन उठा रहे, आज उठाए तो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम किसके मांगे क्या करें, बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोन कैसे देंगे। जबकि इसने पूरी टाइम दिया है, इसने निगम पार्षद में आजकल हमारा फोन नहीं उठा रहा। जो यहाँ का निगम पार्षद है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी का, जिसका नाम है परवीन कुमार। उससे मेरी कल भी बात हुई थी कि परवीन कुमार जी ऐसे ऐसे हो गया है, तो उसने किया कि आप आ जाओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पर आपको फोन नहीं उठा रहा, वो कांग्रेस का निगम पार्षद है यहाँ से, तो मेरे भाई उस जो कांग्रेस का निगम पार्षद है उसके पास जा रहे हैं, उसके घर पे जा रहे हैं, इन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या आश्वासन देता है। वैसे तो मुझे लग रहा नहीं ये लोग काम करेंगे, उसके बाद भी हमें जाना होगा तो हम आज ही योगी जी के ऑफिस जाएंगे, बीजेपी के ऑफिस जाएंगे, हम उनसे गुहार लगाएंगे, क्योंकि जो यहाँ से निगम पार्षद है जिसके संज्ञान में था उसके बाद भी मकान टूट गया, और वो कांग्रेस का निगम पार्षद है उसके बाद भी, और मैं कहता हूँ वो निगम पार्षद को सारी बातें पता है। जब मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे हो गया, कहना भैया मेरे को सारा मालूम है, मैंने जब आपको सारा मालूम है तो टूट कैसे गया, तो उसने किया कि इनके साथ सियासत हो रही है। यार इन गरीब लोगों के साथ क्या सियासत करोगे तुम, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, वो माता जी है, वो अपाहिज है, जो ये इनके पति है इनको आंखों से नहीं दिखता, इन गरीबों के साथ क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं ये कांग्रेस का जो निगम पार्षद है, ये जो कांग्रेस का निगम पार्षद है, क्या दुश्मनी है इसको, इसको क्या दुश्मनी है इन बुजुर्ग लोगों से, जो आज इनका घर तोड़ दिया, इनका मकान तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं उसकी क्या ड्यूटी नहीं बनती यहां पे आके पूछने की कि आपके साथ क्या हुआ है। जब ये वोट लेना होता है इनको तो ये कुत्ते की तरह घरों घरों में जाते हैं और इन्हीं लोगों के पैर पकड़ते हैं। आज इनका घर टूट गया है तो आज ये कहां है। मैं इन चीटरों से कहना चाहता हूं कि चोरों, जब तुम्हें वोट लेना होता है तो इन्हीं लोगों के पैरों में गिरते हो, इन्हीं की झूठी चाय पीते हो, तुम दिखावा करते हो। आज इनका घर टूट गया है, ये घर से बेघर हो गए, तो आज कहां हो तुम। मैं इस निगम पार्षद से कहता हूं जो कांग्रेस का निगम पार्षद है, है जी ये देखिए बहन भाई, बहन बताइए इधर आ जाओ आप, बहन बताइए इनके साथ देखो कितना बुरा हुआ है, एक बार बताइए आप, इधर आओ बहन। क्या नाम है भाई इसका निगम पार्षद का? इसका नाम परवीन कुमार है, परवीन कुमार है, सत्य प्रकाश जी इनके पिताजी का नाम था, वो भी यहाँ से चार बार के पार्षद है, पापा भी चार बार पार्षद है, पर तुम्हारे को किस लिए पार्षद बनाया, किस लिए निगम पार्षद बनाया, कि लोगों का भला करो, लोगों की सम्मान करो, लोगों की इज्जत करो, क्या उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लोगों में बहुत आक्रोश है भैया यहाँ पे, ये सारे लोग देख रहे हो आप आक्रोश है भाई। निगम पार्षद हाय हाय, निगम पार्षद हाय हाय, निगम पार्षद हाय हाय, निगम पार्षद हाय हाय, निगम पार्षद हाय।
निगम पार्षद हाय हाय, निगम पार्षद हाय हाय, निगम पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो भाई इंसाफ नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पुतले भी फूकेंगे और तुम्हारे घर का घेरा भी करेंगे हम। या तो इन लोगों से आके मिलो, इनको दिखाओ भैया ये मर गए, कोई अटैक पड़ गया इसके अंदर, इनको पर्चे में इनके कौन है देखने वाला? तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, तुम तो दुनिया में पैसा खा रहे हो लूट लूट के। ये बहन की बनाओ, ये सही कह रहे बिल्कुल, क्योंकि दिल दुखा हुआ इनका। पैसा लगा दिया, अब होशा आया कहने के लिए तुम्हारा? अरे डूब के मर जाना चाहिए, इन लोगों ने ही तुम्हें निगम पार्षद चुना है। सोच रहे थे ये तुम्हें, समझ गए? ये तो तुम्हारी कांग्रेस पार्टी रही, इसने हमारा बेड़ा गर्क ही करा है। हम वाल्मीकि को बेड़ा गर्क करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और आज भी कांग्रेस पार्टी का ही निगम पार्षद है जो हमारे लोगों का घर तुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि तेरे को यहाँ आना नहीं चाहिए, तेरी ड्यूटी है, तेरे एरिया के अंदर, तेरे निगम के अंदर, तेरे वाल्मीकि समाज का घर तोड़ दिया गया और तू सो रहा है, तू बैट बॉल खेल रहा है। मैंने जब तेरे से कल बात करी तो तूने क्या किया, मैं 12 बजे क्रिकेट खेलने जाता हूँ और 1 बजे आता हूँ, आप 1 बजे आना। मैं 1 बजे आ गया, 1 बजे तो तुम्हारे को फोन कर रहा हूँ, तुमने मेरा फोन पिक नहीं करा। इतना घमंड ठीक नहीं है।